हेलो स्टूडेंट ऑल ऑफ यू, चलिए आज हम कवर करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का पार्ट टू, जिनमें से कि आपको टाइप वन और टाइप दो का प्रश्न हम कराएंगे। देखिए, जिनमें से टाइप वन और टाइप दो ये दोनों महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, जो कि बार बार अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से सवाल आता है बेसिकली, तो ये टाइप आपको कन्फर्म है कि मिलेगा ही मिलेगा। चलिए तो प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। यदि 10:13 समानुपात एक्स रेशियो 26 हो तो एक्स का वैल्यू निकालना है। देखिए इनमें से क्या होता है, एक्स का वैल्यू निकालना है तो आपको हम कल इजीली बता दिए थे, यदि रेशियो का मतलब होता है 10:13 है ना, और समानुपात एक्स अनुपात 26 है, ठीक। अब आपको करना क्या है, आप इस तरह भी लिख सकते हैं 10/13 बराबर एक्स बटे 26। आपको बताए थे कि अनुपात मतलब बटे होता है और बाकी समानुपात मतलब ये बराबर का चिन्ह होता है। आप इसको क्रॉस मल्टीपल करते इस तरह 26 × 10, ठीक, 26 × 10 बराबर 13 × x, ठीक। तो एक्स बराबर निकल जाता 10/26/13। देखिए दोनों क्यों नहीं किया, कटाने में आसान होता, 13 × 26 अर्थात 10 × 20, एक्स की वैल्यू कितना निकल गया, 20 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन होगा, बी होगा। बट आपको हम जल्दी बताए थे कि देखिए लास्ट वाला तो लास्ट वाला से गुना कीजिए, 10 × 26, 10 देखिए यहाँ पर लीजिए 10 × 26, देखिए लास्ट वाला कर दीजिए, और सामने वाला को सामने से 13 × x। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पर आते हैं ना, अब देखिए एक्स की वैल्यू आप निकालिए, 13 से काट दीजिए 13 × 2 अर्थात एक्स की वैल्यू कितना गया, 20 निकल गया। एक्स की वैल्यू ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि करेक्ट ऑप्शन बी है, ठीक है, समझ गए। अब आइए आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 16 एवं 4 का प्रथमानुपात, आपको कल बता दिए थे हम प्रथम अनुपात क्या होता है। प्रथम अनुपात में आपको हम बताए थे कल कि आपको करना क्या था, ए स्क्वायर बटे बी, मतलब सेकेंड वाला जो है ये 16 और 4 है, सेकेंड वाला बीच मतलब नीचे आ गया, तो 16 × 16 मतलब 16 का स्क्वायर 2 बार है बटे 4, ये 4 से कटाइए, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64, इसका जो सही जवाब हो जाएगा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, बिल्कुल राइट। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, 16 एवं 36 का मध्य अनुपात, आपको बताए दें कि मध्य अनुपात अगर बोले तो आपको अंडर रूट करना है और दोनों को गुना कर देना है। देखिए यहाँ से डायरेक्ट सवाल आता है, जब आपको हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे ना तब आपको पता चलेगा कि सवाल किस तरह पूछता है। तो देखिए इसका वर्गमूल कितना होता है 4, इसका कितना होता है 6, 6 × 4 कितना हुआ 24, इसका जो सही जवाब हो जाएगा कितना हो जाएगा 24, ठीक है। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन ये क्या है, 6, 16 एवं 24 का तृतीय अनुपात, तो आपको बता दिए थे हमने तृतीय अनुपात, ये प्रथम अनुपात में ए को ऊपर में रखना है इस बार में, और तृतीय अनुपात में बी को रखना है बटे ए कर देना है, समझे। प्रथम अनुपात और तृतीय अनुपात में रिलेशन आपको हम बताए थे कि प्रथम अनुपात में ए स्क्वायर करना है बटे बी, यहाँ बी स्क्वायर बटे ए करना है। देखिए इसमें तृतीय अनुपात में बी स्क्वायर बटे ए हो जाएगा, देखिए तृतीय अनुपात में हम बी स्क्वायर बटे ए बताए थे, हाँ चलिए 6 अनुपात 16 समानुपाति 24 और अंतिम एक्स मान है, ठीक है। चलिए यहाँ से लास्ट वाला लास्ट के साथ और सामने वाला सामने के साथ, चलिए एक्स बराबर कितना 16 × 24/6, 6 × 4 = 24, 16 × 24 = 64, इसका भी कितना आंसर हो जाएगा 64। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन का, चलिए
फोर्थ क्वेश्चन में आपको बताए थे हम, इसका फॉर्मूला बताए थे बी सी बटे ए, बी सी बटे ए। तो देखिए बी इसमें 14 है, सी कितना है 24 है, और ए कितना है मेरा 12 है। तो 12 दो ना 24, 14 ना 28, इसका कितना करेक्ट हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब टाइप हम दो पे चलते हैं। टाइप दो क्या कह रहा है इसे हम बारी से समझेंगे, जो कि मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, समझे। देखिए दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। चलिए फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या दोनों संख्या का अनुपात कितना है 3:4। ठीक है, तथा इनका योग 420 है। अब 3:4 जो है ये दोनों संख्या अनुपात में दे रखा है। ठीक है, अगर हम योग करते हैं तो 7 होता है, और बोलता है कि इनका योग 420 होता है। मेरे अनुसार अगर योग अनुपात में करते हैं तो 7 होता है, और उनके अनुसार 420 होता है। तो 1 बराबर हम निकाल सकते हैं कितना, 6 + 7 = 42, 60 होता है। तो अब ये 1 बराबर हमको पता चल गया। अब बोल रहा है इनमें से बड़ी संख्या कौन है, अनुपात में बड़ी संख्या 4 है, तो हम बड़ी संख्या 4 बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 24, मतलब 4 से जब 60 में दोनों करेंगे कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 24, मतलब 240 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 240। देखिए इनमें से पूछ सकता है क्या, दोनों का अंतर भी दे सकता है, दोनों का जैसे जिस तरह यहाँ योग दिया था तो योग था, दोनों का गुणनफल दे सकता है। ठीक है, और इनमें से बोलेगा कि इनमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या है, या गुणनफल क्या है, या पहली संख्या तो दूसरी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाए। इस प्रकार के टाइप में क्वेश्चन इसी तरह बनता है। ठीक है, अब जो हम क्वेश्चन कराएंगे आगे इसी तरह क्वेश्चन हम अब टाइप बाय टाइप कराते जाएंगे, और वही सब क्वेश्चन कराएंगे जो पूछते जाता है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।